और हाँ, अगर पुलिस को बुलाने वाली हो ना, तो इस सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर के लिए स्ट्रेचर भी भिजवा देना, इसकी लाश उठाने के लिए। हाय नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं अकेला आऊंगा। कृति हो कुछ? गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करने वाले हैं किस्मत की लकीरों की, जहां आप सभी देखेंगे कि रोशनी ने तो किडनैप कर लिया है कीर्ति को, वहीं अब वो कीर्ति को फांसी की सजा भी देगी। जी हां, रोशनी लेना चाहती है श्रद्धा से बदला और सबक सिखाने के लिए वो कीर्ति को किडनैप की है। और अब उसने डिसाइड किया है कि अगर श्रद्धा से बदला लेना है तो उसे कीर्ति को फांसी देनी पड़ेगी, जहाँ उसने कीर्ति को खड़ा कर दिया है कुर्सी के ऊपर हाथ बांधकर। अब देखना ये है कि क्या श्रद्धा आ जाएगी एंड मोमेंट पे और अपनी बहन कीर्ति को बचा लेगी। वेल, ये देखना वाकई ही दिलचस्प हो गया है। आपको पता ही है, रोशनी श्रद्धा से जितनी नफरत करती है और अभय से उतना ही प्यार भी करती है, तो अभय को पाने की एक आखिरी कोशिश वो कर रही थी, जहाँ पे उसने श्रद्धा के बहुत ही वीक पॉइंट पे वार किया है, वो है उसकी बहन कीर्ति। कीर्ति को किडनैप कर लिया है उसने और अब बस उसको फांसी लगाने की फुल तैयारी कर चुकी है और उसने लगा भी दी उसको फांसी। जहाँ तक देखिए, आप सब जानते हैं कि श्रद्धा और कीर्ति के बीच में भी अभी थोड़ी बहुत मिठास नहीं है, खटास आ चुकी है। सो कहीं ना कहीं रोशनी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी ये, और इससे पहले भी उठाया उसने, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा ही लगा कि श्रद्धा को चोट पहुँचाने का सिर्फ एक ही जरिया बचा है मेरे पास, अब वो है कीर्ति। तो मैं कीर्ति को जरिया बनाऊँगी, अभय को पाऊँगी और श्रद्धा को हराऊँगी। चुप, वरना यहाँ मैंने टेबल हिलाया ना तो आवाज निकालने लायक भी नहीं बचोगी तुम, समझी? लो। एहसान, तुमने कभी देखा है मुझे किसी जो मैं तुम्हारी करूंगी? और तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि तुम्हें मैं फांसी की सजा यहाँ दे रही हूँ, जेल में नहीं। यहाँ से आवाज़ है, कीर्ति, वहाँ से वरुण वाला मार दूंगा मैं तुम्हें। और तुम्हें क्या चाहिए बोलो? देखो, चिल्लाती रहती हो। मैंने कहा ना, चुपचाप अभय को मेरे पास भेजो, और वो भी अकेले, वरना। और हाँ, एक बार अभय यहाँ आ जाए फिर तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूंगी, समझी? यार कीर्ति बोला, जीतू ने सही कहा था, सही पहचाना था, विश्वास दोस्ती के लायक नहीं हो तुम, अपने परिवार तक के खिलाफ चली गई तुम। तुमको और अभय के साथ लाने के लिए हमने बहुत बड़े बेवकूफ बनाया तुम्हें। अच्छा, तुम बेवकूफ? एक्शन। अच्छा, तो मैडम आईपीएस ऑफिसर मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रही थी, मैंने कहा था क्या? नहीं। और पता है क्या, तुम्हारी बहन सबसे बड़ी बेवकूफ है, तुम नहीं, जो तुम जैसी झूठी पे हमेशा भरोसा करती रही, तुम्हें बचाती रही। तुम ना बेवकूफ नहीं बल्कि बेशरम हो, खुद बदला लेना चाहती थी अपनी बहन से और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। हाँ रोशनी, तुम ना हमें धमकी मत दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप, बार बार ये धमकी मत दो मुझे, समझी? वरना अभी ना स्टूल से तुम्हें गिरा दूंगी नीचे। नहीं, अभी भी धमकी, अपनी हालत देखो।